दोस्तों हम लोग में ज्यादातर लोग ना हम के पहले अच्छे से अपने स्वभाव अपने लव लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं। तो आज हम दोस्तों आपको पी नाम के लोगों के स्वभाव उनके लव लाइफ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण 10 बातें बताएंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो कुछ पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों यारों के साथ आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर दिल में आपके कोई एक छोटी सी भी बात आ जाए तो नीचे एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए फिर चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पी अच्छा शुरू होने लोगों के कैरियर के बारे में। तो आपको बता दूं कि ये लोग अक्सर गलत कैरियर का ऑप्शन चुन लेते हैं और जिसके चलते इनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और फिर बाद में ये काफ़ी अफसोस भी करते हैं। लेकिन दोस्तों तुरंत ही ये समय रहते हैं अपने आप को संभाल भी लेते हैं और अपनी मंजिल को पहचान भी लेते हैं और फिर ये अपनी मंजिल की तरफ आगे को बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप ये जान लें कि ये लोग मान सम्मान को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी करके जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और फिर इसके लिए चाहे इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े ये पीछे नहीं हटते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये लोग उसूल के बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं और उस पर जल्दी कोई समझौता नहीं करना चाहते। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि इन लोगों का मन हमेशा आसान सा रहता है, यानी इन लोगों के मन में हमेशा कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर उथल पुथल मची रहती है। लेकिन दोस्तों सामने वाली नज़रों में ये लोग शांत दिखने का नाटक बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप एक बात और जान लें कि ये लोग हमेशा अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। और यहाँ पर दोस्तों अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ही छड़ी से सबको हाँकने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों अब इनकी खास बात आपको और बता दूं कि इनका एक दूसरा रोल भी देखने को मिलता है और वो ये है कि इन्हें चाहे कितने भी दुखों का सामना करना पड़ जाए पर ये अपने से जुड़े हुए लोगों को हमेशा खुशी देखना चाहते हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार भी रहते हैं, अपनी पूरी वफादारी के साथ उनके लिए कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। दोस्तों ये लोग जल्दी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब समय को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं और हमारे समय को सिर्फ खराब ही करेंगी। और इन सभी बातों के पीछे सोचने के कारण इनका सुपर फास्ट दिमाग होता है और ये दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि ये हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, हाँ ये कभी कभी दिल से भी काफ़ी काम लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इन लोग को प्यार बहुत ही धीमी गति से होता है। लेकिन दोस्तों अगर एक बार हो गया तो बस समझ लीजिए हमेशा के लिए हो ही गया और फिर ये अपने रिश्तों को बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरी जिंदगी भर निभाते भी हैं। दोस्तों इनके अंदर सबसे बड़ी खामी यही है कि ये अपने सामने वालों को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं या फिर हमसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान नहीं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं और दोस्तों इनका यही नेचर कई बार तो इनको सामने वाले की नज़रों में काफ़ी बुरा भी बना देता है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इनको जल्दी किसी से प्यार व्यार नहीं होता क्योंकि दोस्तों प्यार के भावना में जब तक सामने वाले की पूरी तरीके से जब तक कि अच्छी तरह से जांच परख नहीं कर लेते, मतलब कहने का अच्छी तरीके से नहीं पहचान लेते, तब तक ये जल्दी उस पर भरोसा नहीं करते। अब क्योंकि दोस्तों इनमें ज़्यादातर लोग दिखने से उनमें काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं और जिसके चलते इनकी तरफ लोग काफ़ी खींचे भी चले आते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर किसी के साथ अपने प्यार को नहीं बांटते और बहुत ही सोच समझ कर अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। दोस्तों इनके प्यार के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि ये अपने पार्टनर साथ मोल तोल वाला हिसाब रखते हैं और कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना आप इनको प्यार देंगे तो उतना ही आपको रिटर्न करेंगे, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक लाइन में ये कहेंगे कि ये हर एक किसी चीज़ का बैलेंस कर कर चलते हैं, फिर वो चाहे चीज़ कोई भी हो। और अब लास्ट में दोस्तों जाते थे आपको एक खास बात और बता दूं कि इनमें एक बात और भी है और वो ये है कि ये काफ़ी मुफ्त भी होते हैं और उन्हें ये परवाह नहीं होती कि हमारी इस बात से सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा और हमारे बारे में क्या सोचेगा। और दोस्तों इन सभी बातों के पीछे कारण इनका साफ दिल होता है क्योंकि दोस्तों ये दिल में कोई बात छुपा कर नहीं रख पाते और ना ही ये किसी की बात को दिल से लगा कर रखते हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि साफ साफ खुले खुले शब्दों में बोलना और किसी के लिए भी दिल में कोई मैल ना रखना इनका अपना स्वभाव होता है और इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना पसंद करते हैं।